जिला युवा सेवा एवं खेल कार्यालय शिमला द्वारा राजधानी शिमला के कालीवाड़ी हॉल में मंगलवार दो दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला भर के युवाओं द्वारा भाग लिया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया। जिला स्तर पर प्रथम आने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में भाग लेने का मौका मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश के युवा देश का भविष्य और युवाओं को आगे बढ़ाना सरकार का दायित्व है। रोजगार व स्वरोजगार के नए साधन उपलब्ध करवाने के लिए भी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रदेश में युवा ही प्रदेश और देश का भविष्य है और हर क्षेत्र में और हर फील्ड में युवा आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारी सभ्यता, उसको जानना, उसको पहचानना और उसको अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से उसका जो है सुलोचन करना, ये भी हमारा प्रथम दायित्व बनता है। उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा युवा खेल सेवाएं विभाग द्वारा जो ये कार्यक्रम जिला स्तर का शिमला जिला के ऐतिहासिक कालीबाड़ी जो हमारा यहाँ पे ऑडिटोरियम है उसमें करवाया जा रहा है, उसमें सभी युवा हमारे जिला शिमला के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग ब्लॉक से यहाँ पर आए हैं, उनका मैं स्वागत भी करता हूँ और पूरा प्रोत्साहन उनका सरकार द्वारा हमारे विभाग द्वारा करवाया जाएगा। और युवाओं को आगे बढ़ाना ये हमारा प्रथम दायित्व है, रोजगार के और स्वरोजगार के नए साधन उनको दिलवाना ये भी हमारी प्राथमिकता है। इसके ऊपर सरकार और मुख्यमंत्री जी पूरी मजबूती से कार्य कर रहे हैं, तो आज इसी कड़ी में मैं यहाँ पर आया हूँ और प्रदेश के युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।